सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की बलात्कार पीड़िता कल मीडिया के सामने पहली बार आई। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बड़े और बुनियादी सवाल खड़ा किए। उन बातों को मैं बारी बारी से आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उनका मतलब आपको समझ में आ जाए और पुलिस प्रशासन सरकार कहां खड़े हैं यह भी आप जान पाएं। उस लड़की ने कहा कि एक साल से चिन्मयानंद का मतलब यह है कि वो आदमी जो भारत की सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुका है, शाहजहांपुर का एक ताकतवर आदमी है जिसके बहुत सारे संस्थान चलते हैं, उसका एक लॉ कॉलेज भी है जिस कॉलेज में LLM की पढ़ाई वो लड़की कर रही थी। उस आदमी ने एक साल तक उसका बलात्कार किया है, यौन शोषण किया है। क्या आरोप है चिन्मयानंद के ऊपर? उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण एक साल तक करते आए हैं। इसके बाद लड़की ने कहा कि इन सब बातों के सबूत उसके पास हैं और जब कभी भी कोर्ट मांगेगा तो कोर्ट के सामने वो सबूत रखेगी। क्या कुछ एविडेंस भी आपने सौंपे हैं? एविडेंस सही समय आने पर दे दिए जाएंगे, मेरे पास सब सुरक्षित हैं, हॉस्टल के रूम में। आपने दो बातें समझी कि उसका बलात्कार हुआ है और बलात्कार के मजबूत पुख्ता सबूत उसके पास हैं। तीसरी बात यह है कि अभी तक SIT जो उसके आरोप की जांच करने के लिए बनी है उसने उससे तो 8 घंटे तक की पूछताछ कर ली है लेकिन चिन्मयानंद से उसने पूछताछ नहीं की है। अलबत्ता चिन्मयानंद की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और चिन्मयानंद को लेकर के पुलिस का रवैया ऐसा है जिस पर शक और संदेह खड़ा होते हैं। देखिए, मेरी जिस लड़की का साल भर शोषण हो गया उसको 11 घंटे बैठा के पूछताछ करी गई है, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके के सवाल जवाब में, लेकिन जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार किया जाए। लड़की का अगला आरोप ये था कि जिले के कलेक्टर SP यह दोनों कहीं ना कहीं चिन्मयान को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब उसने मुकदमा दर्ज कराना चाहा था तो उस समय उससे ये पूछा गया था कि तुम जानती हो कि तुम किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हो। वो आदमी, कहने का मतलब ये है कि ताकतवर है, रसूखदार है, बड़ा राजनेता है, स्वामी है, संत है, महात्मा है तथाकथित तौर पर, और उसे टकराना जो है तुम्हारे बूते की बात नहीं है। मैं इतने दिनों से जान बचाए बचाए घूम रही थी, यहाँ शाहजहांपुर के DM ने मेरे पापा को धमकी दी कि आप देख लीजिए कि आप किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देना चाहता हूँ। एक लड़की शाहजहांपुर में LLM में पढ़ती थी, LLM का वो कॉलेज जो चिन्मयानंद का है। उसने 24 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और आरोप लगाया कि चिन्मयानंद ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी ही नहीं, उसकी तरह की बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी उसने तबाह की है। वो बहुत परेशान है, डरी हुई है, उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गई। यह वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद से चिन्मयानंद भी अंडरग्राउंड हो गए, वो गायब से हो गए। वो लड़की लगातार भागती रही और बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उसको 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ भी कहा उसके बाद कोर्ट ने 4 बातें कहीं। पहली बात ये कि लड़की की बात पर या शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा कि लड़की के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा दे। तीसरी बात ये कि लड़की का जो भाई है जो चिन्मयानंद के ट्रस्ट के तहत ही एक संस्थान में पढ़ता है उसका एडमिशन कहीं और कराया जाए। और चौथा ये है कि पूरे मामले की जांच ठीक से की जाए। मामला ये है कि अब SIT जो अभी बनी हुई है वो इसी की जांच कर रही है, लेकिन लड़की का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ उसको मिलेगा इस बात की उम्मीद उसको नहीं है। इसलिए लड़की को फिर से सुनिए। UP पुलिस आपकी क्यों रिपोर्ट नहीं लेकर आई? न्याय की कितनी उम्मीद है? खुद स्वामी चिन्मयानंद के शब्द हैं कि शाहजहांपुर मेरा लॉ कॉलेज, हर साल कितने वकील यहां से पढ़ के निकलते हैं, कानून व्यवस्था पूरी उनकी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं। मुझे शाहजहांपुर और UP बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आप लोग यहां पे 376 का मुकदमा प्लीज लिखवाइए। 0 FIR का कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, आप लोग खुद समझ रहे हैं इस चीज को। मेरे पापा को धमकी दी है यहाँ के DM ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई ना। मेरा भागना, मेरी जान बचाना कई हद तक तो सब सही है ना, आप लोग खुद देख रहे हैं इस चीज।
यह मामला बहुत हद तक उन्नाव की तरफ जाता हुआ सा दिख रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के विधायक थे, उनके ऊपर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया और जब मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी, उस दौरान उस लड़की ने पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की, खुद को जलाने तक की उसने कोशिश की थी। और इस लड़ाई में अब देखिए उसका पिता जो है गुजर गया, उसके चचा की हत्या हो गई, उसकी मासी और उसकी चाची यह दोनों मारी गई कार हादसे में, लड़की भी जो है वो बुरे हाल में है, ज़िंदगी और मौत से आज भी वो जूझ रही है। लेकिन एक इंसाफ के लिए कोई परिवार या कोई लड़की किस तरीके से टकराती है और तबाह होती है, इसका जिंदा सबूत है उन्नाव का मामला। और इस शाहजहांपुर में जो लड़की सामने आई है, इसने साहस दिखाया है, उसने कहा है कि नहीं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तब तक मैं लड़ाई जारी रखूंगी। उसके पिता भी लगातार यह बात कहते रहे हैं, परिवार पूरा इंसाफ के लिए लामबंद है, वो इस बात को बार बार कह रहा है कि हमारे साथ जो होना है हो जाए। चिन्मयानंद बहुत ताकतवर आदमी हैं तो हमको तबाह करना है कर दें, लेकिन मेरी बेटी पर जो गुजरी है, मेरी बेटी के साथ उन्होंने जो किया है, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ परिवार को मिलना चाहिए। लड़की अगर मीडिया के सामने आती है, अपनी बात रखती है, तो सिर्फ इसलिए कि उसको ये लगने लगा है कि प्रशासन जो है उसकी मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन जो कुछ भी कह रहा है और कर रहा है वो चिन्मयान को बचाने की कोशिश का हिस्सा है, उसको इंसाफ इस रास्ते से तो नहीं ही मिल सकता है। लेकिन इस तरह के सवाल यूँ नहीं ख़त्म हो जाते हैं, मीडिया में जो बातें आ जाती हैं बहुत हद तक उनका दबाव शासन प्रशासन पर रहता है, लेकिन मीडिया इसके लिए नहीं है, मीडिया सिर्फ इस बात के लिए है कि वो खबरों को या सच को आपके सामने रखे। कानून अपना काम करता है और कानून के रास्ते जो संस्थाएं काम करती हैं या कानून की देखभाल करती हैं, व्यवस्था और बनाए रखने का जिम्मा उठाती हैं, वो संस्थाएँ अपना काम करती हैं, प्रशासन उसकी जगह पर है, अदालतें उसकी जगह पर हैं, मीडिया की अपनी एक भूमिका है, हम वही भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक वादा है आपका कि जब तक इस लड़की के सवालों का समाधान नहीं होता है और इसकी जो कानूनी लड़ाई है वो इंसाफ तक नहीं पहुंचती है, तब तक इस बात को या उसके इस इल्ज़ाम को या उसकी आवाज़ को बार बार ताकत देनी होगी। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।